Hello everyone, welcome to Manoeuvre. Today we will discuss on the Rafale controversy. Rafale controversy जो कि इंडिया का सबसे बड़ा controversy बन चुका है अब तक. Rafale scam जिसको आपके opposition party बोलती है ruling party को कि ruling party ने अब तक का सबसे बड़ा scam Rafale scam है. So इस पूरे इशू को आज हम पूरे इस इशू को पूरे डिटेल्स में समझेंगे. एक्चुअल में ये राफेल कंट्रोवर्सी है क्या? आपने हर जगह न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में पार्टियों के स्पोक पर्सन्स जो होते हैं उनको आपने बात करते हुए देखा होगा कि हर जगह राफेल स्कैम्स की बात हो रही है. और एज अ स्टूडेंट्स हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको प्रॉपर समझें कि एक्चुअल में ये राफेल है क्या, क्योंकि इसे अपकमिंग एग्जाम्स में एक दो क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअल में राफेल है क्या. इसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा तो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में इस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली आंसर कर सकते हो. सो फर्स्ट देखते हैं कि ये राफेल स्कैम है क्या जो कंट्रोवर्सी इंडिया में चल रही है. तो राफेल जो है कि व्हाट इज़ द राफेल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राफेल एक्चुअल में है क्या. तो राफेल इज अ फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि एक फाइटर प्लेन है जो कि फ्रांस बेस कंपनी जिसका नाम है एसॉल्ट एविएशंस जिसने इसको बनाया है. एंड आर कंसीडर द मोस्ट पोटेंट कमबैक जेट एयरवेज ग्लोबली. दुनिया में सबसे अब तक माने जाने एयरक्राफ्ट में इसकी काउंटिंग होती है. पावरफुल एयरक्राफ्ट जेट फाइटर्स में इसकी काउंटिंग होती है. तो यही है राफेल जो कि एक फाइटर प्लेन है एंड फ्रांस बेस एक कंपनी है जिसका नाम है एसॉल्ट एविएशंस. ये आप याद भी रख सकते हो, कभी एग्जाम्स में ऐसा पूछ सकता है कि एसॉल्ट एविएशंस बिलोंग टू विच कंट्री. सो एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस वीडियो को देखना है कि आपको ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, ना कि कोई पॉलिटिकल व्यू से. और यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे एक हेल्थी डिस्कशन होगा. यहाँ पे ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं. वी विल वॉच दिस वीडियो ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू. यहाँ पे हम किसी अपोजिशन से नहीं बात कर रहे, ना ही किसी रूलिंग पार्टी से बात कर रहे हैं. बस जो भी इशू है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने यहाँ पे देखा कि राफेल एक जो जेट एयरवेज एयर फाइटर्स प्लेन है जिसको फ्रांस बेस एसॉल्ट एविएशंस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है. ओके, और नेक्स्ट देखते हैं. अभी बात करते हैं कि इंडिया से इसका क्या रिलेशंस क्या है. तो वाई द इंडिया नीड एसॉल्ट राइफल. तो यहाँ पे हम पहले प्रीवियसली कुछ एयर फाइटर्स देखते हैं जो कि इंडिया के पास है, जैसे MiG-21 है, मिराज है एंड सुकोई SU. ये सब इंडियन एयर फोर्स के पार्ट हैं, इंडियन एयर फोर्स के फाइटर प्लेन है जो कि इंडियन एयर फोर्स में यूज़ होता है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनका नाम यहाँ पे क्यों लिया. इनका नाम लेना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता चले कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो ये सब फाइटर्स थे ना, ये सब थोड़े से ओल्ड मॉडल हो चुके थे. इनके फीचर्स अभी कंपेयर टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थे. इनके अंदर जो भी न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की वो सब जो कैपेबिलिटी थी वो इन सब के अंदर नहीं थी. इसलिए इंडिया को एक ऐसे फाइटर प्लेन्स की नीड थी जो कि इक्विप, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट से पूरा फुल फील्ड हो. सो दैट्स वाई इंडिया इज़ प्लानिंग टू परचेस एक फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड, एक फुल्ली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका एक फाइटर प्लेन होना चाहिए. इंडिया इज़ प्लानिंग टू परचेस दैट टाइप ऑफ द फाइटर प्लेन्स जो कि राफेल था, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी एसॉल्ट एविएशंस ने बनाया था. अब देखते हैं कि इसके आगे, अभी इंडिया के पास जो एग्जिस्टिंग प्लेन थे उसके कुछ लिमिटेशन थे. इंडिया प्लान कर रहा था कि एक बेटर फाइटर प्लेन परचेस किया जाए. ओके, सो उसी बेस पे इंडिया ने राफेल डील फिक्स किया था जो कि फ्रांस बेस एसॉल्ट एविएशंस कंपनी थी. देखते हैं ये डील वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट कैसे पूरा हुआ. सो यहाँ पे एक हेडिंग से आपको, व्हाई डिड द एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बिगिन. कभी ये स्टार्ट हुआ डील जो थी, ये कभी स्टार्ट हुआ आपका जो राफेल डील थी, कभी से स्टार्ट हुआ और अभी तक कहाँ तक ये प्रोसेस पहुंचा है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स सॉट एडिशनल फाइटर जेट टू इन 2001.
इंडियन एयरफोर्स को 2001 में सम एडिशनल फाइटर प्लेन्स की नीड थी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 2001 के पहले कारगिल वॉर हुआ था, उस समय हमारे जो फाइटर्स प्लेन्स हैं हमको उनके लिमिटेशंस बहुत सारे पता चले थे कि दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट कंपेयर टू द वर्ल्ड लेवल फाइटर्स प्लेन। सो ऑन दैट टाइम उस समय इंडियन एयरफोर्स को ये फील हुआ कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एयर फाइटर्स प्लेन है वो इतने कैपेबल नहीं है जितने अदर्स वर्ल्ड में अदर्स कंट्री के पास है। सो ऑन दैट टाइम जो उस टाइम पे करेंट में थे हमारे पास फाइटर प्लेन्स वो हैवी एंड लाइट वेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सो द डिफेंस मिनिस्ट्री कंसिडर ब्रिंगिंग द इंटरमीडिएट मीडियम वेट फाइटर जेट। तो द इंडिया हैज़ अराउंड सिंस 2001 द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायर द मिनिमम 42 फाइटर स्क्वाड्रन टू अचीव द ऑप्टिमल कैपेबिलिटी। सो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स को फील हुआ कि हमारे पास एक लेटेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड मीडियम वेट फाइटर जेट वेयर है जो एटलीस्ट 22 फाइटर्स प्लेन्स की नीड थी, जो कि आप इंडिया का बॉर्डर देख सकते हो कि पाकिस्तान, जिसके पास पाकिस्तान, चाइना और थ्री वे से सी से घिरा हुआ हो, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने ये रिक्वायरमेंट दिया कि एटलीस्ट 42 फाइटर्स जो प्लेन है वो इंडिया के पास होने चाहिए। देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस डील से रिलेटेड। सो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडिया बिगेन टू द प्रोसेस बाय द फ्लीट 126 मीडियम मल्टी रोल कम्बैक एयरक्राफ्ट MMRC विच इज नोन एज द MMRC फुल फॉर्म आप याद रखिए, शायद से इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, MMRC का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। सो इन 2007 आफ्टर द डिफेंस मिनिस्ट्री हेडेड बाय द कांग्रेस लेटर AK एंटनी, सो उस समय के जो रक्षा मंत्री थे अपने डिफेंस मिनिस्ट्री से AK एंटनी ने क्लियर किया यह प्रपोजल जो कि इंडियन एयरफोर्स ने दिया था कि उनको 42 एयरपेड चूँकि उनको 42 फाइटर स्क्वाड्रन की नीड है। सो ऑन उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने ये क्लियर प्रपोजल किया कि दे विल परचेज द 126 मीडियम मल्टी रोल कम्बैक एयरक्राफ्ट। ओके सो ये दो पॉइंट थे, फर्स्ट वन था कि हमारे एयरफोर्स को नीड थी, दूसरा उस टाइम 2007 में इसको करेंट डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल्स को क्लियर किया। देखते हैं सेकेंड थर्ड पॉइंट इसके रिलेटेड। उसके बाद गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिलने के इंडियन एयरफोर्स ने टेंडर इश्यू किया, इंडियन एयरफोर्स ने टेंडर रिलीज किया जिसमें से ये चार कंपनियों ने अपने अपने कोटेशंस लेके गवर्नमेंट्स को दिए, जिसमें आपके ये यहाँ पे लैकेट मैरिटाइम F-16 है, यूरोफाइटर टाइफून है, रसिया का MiG-35 है, स्वीडन है ग्रिफिन, बोइंग F-118 एंड एसॉल्ट एविटेशंस राफेल। ये कंपनियों ने अपने अपने फाइटर प्लेन के स्पेसिफिकेशंस के साथ गवर्नमेंट के साथ डील करना शुरू किया कि रिलेटेड टू द प्राइस, रिलेटेड टू द फीचर्स। सो इंडियन एयरफोर्स ने इन चार कंपनियों के साथ कोटेशंस लेके डील करना शुरू किया था, ये आपका थर्ड पॉइंट है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये डील कहाँ से कहाँ तक पहुँची और अब जाके ये कितना बड़ा इशू बन गया है, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बायोग्राफी भी देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स में ले रहा हूँ पूरा, तो आप वन बाई वन देखते जाओ। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, पहला पॉइंट देखा था हमने कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट की नीड थी, उसके बाद करेंट गवर्नमेंट ने उसको 126 मीडियम मल्टी रोल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए क्लियर्ड किया प्रपोजल्स को। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रोमिनेंट कंपनियाँ जो थी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की इनके साथ बात की और इनके साथ कोटेशंस के साथ डील करना शुरू किया। उसके बाद जो फोर पॉइंट है यहाँ पे आपका, आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस बीट वेयर द ओपन दिसंबर 2012 एसॉल्ट एविटेशन इमर्ज L1 लोवेस्ट बीडर जो कि सबसे कम प्राइस में अच्छे फीचर्स के साथ देने के लिए तैयार हुआ। इन ओरिजिनल प्रपोजल 18 प्लान वेयर टू बी द मैन्युफैक्चर इन द फ्रांस एंड 108 इन इंडिया कोलाबोरेशन विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये देखना है कि आफ्टर द कोटेशंस के बाद जिस कंपनी के साथ इंडिया का फाइनल डील हुआ वो फ्रांस बेस्ड एसॉल्ट एविटेशन था, जिसके साथ लोवेस्ट बीडर था जो कि सबसे कम प्राइस पे इंडिया को देने के लिए रेडी हुआ और लेटेस्ट प्लेन था ये।
उसके बाद जो डील हुई थी ऑन दैट टाइम यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब कांग्रेस आप समझो, यूपीए गवर्नमेंट की जो डील हुई थी उस समय उस कंपनी से, वो 18 प्लेन जो कि रेडी कंडीशंस में होंगे, मतलब फ्लाइंग कंडीशन में होंगे, जिस परचेस के बाद वो फ्लाइंग करेंगे, वेयर द मैन्युफैक्चरर फ्रांस एंड 108 जो होंगे, टोटल कितना डील हुआ था, टोटल हुआ था आपका 126 की बात हो रही है, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा रहेगा, यहाँ पे 126 गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। उसके बाद यहाँ पे 118 प्लेन जो थे वो कि एकदम रेडी कंडीशंस में परचेस करने थे, और 108 जो कि इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती, मैन्युफैक्चरिंग असेंबल्ड होता, मतलब पार्ट्स वहाँ से आते, बट यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स के साथ जो डील हुआ था उसमें यहाँ पे असेंबल किया जाता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स के द्वारा। ओके, सो ये डील हुआ था यूपीए गवर्नमेंट में। उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप पे। सो इतना डील, सो आफ्टर दैट यहाँ पे फोर पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, डील होने के बाद जो हुआ था देर वर लेंथी नेगोशिएशन, उसके बाद उनके साथ जो एसॉल्ट कंपनी थी उसके साथ एक काफ़ी लंबा नेगोशिएशन चला प्राइस को लेकर के यूपीए गवर्नमेंट का, एंड जो भी किस तरह से हमारा एग्रीमेंट होगा परचेस करने के बाद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, वारंटी गारंटी, उसके बाद जो सपोर्ट होगा वो कैसा रहेगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी डील चल रही थी तब तक 2014 आया, और 2014 में इलेक्शंस था इंडिया में और यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, और तब तक ये डील फाइनल नहीं हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेप जो लिया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, बट ये डील पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई थी तब तक 2004 का इलेक्शन आ गया, काफ़ी डिले के बाद यहाँ पे इलेक्शंस आ गया, इलेक्शंस में के बाद ये यूपीए गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं कर पाया, और अभी तक ये परचेस, ये रिक्वायरमेंट जो एयरफोर्स की थी वो काफ़ी लंबे समय से बाकी चल रही थी। ओके, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि जो डील हुई थी उसका प्राइसिंग कितना था। तो यहाँ पे कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पे कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था, जस्ट यूपीए गवर्नमेंट से जो नेगोशिएशन चल रहा था उसमें जो प्राइस डिसाइड किया था, और जो यूपीए गवर्नमेंट ने उनको प्राइस की डिमांड की थी वो 526 करोड़ थी, ना कि राफेल ने इनको कोट किया था। तो ये इनका एक नेगोशिएशन प्राइस था जो कि फिक्स नहीं था, ये आप याद रखो। यहाँ पे 10.2 बिलियन में ये डील हुई थी, जो कि इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करके 526 पर एयरक्राफ्ट था। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो ये एयरक्राफ्ट का रेट का इंक्लूडिंग द एवोनिक्स एंड द वेपन्स वाज जीरो, इसमें कोई भी वेपन्स एंड कोई भी एडिशनल एसोसरीज नहीं थे जो कि एयरक्राफ्ट के साथ होने चाहिए थे। ये सिर्फ एक प्लेन था, फाइटर प्लेन था, जो कि सिर्फ प्लेन परचेस कर रहे थे। तो ये आप माइंड रखिएगा, आगे दोनों आगे कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो जो यूपीए गवर्नमेंट ने डील की थी उसमें कोई भी एडिशनल फीचर्स, एडिशनल एसोसरीज नहीं था, सिर्फ जस्ट प्लेन परचेस कर रहे थे, जिसका कॉस्ट यूपीए गवर्नमेंट ने खुद ने इतना 526 करोड़ के लिए प्रपोजल रखा था, जबकि ये राफेल ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था। सो ये आप याद रखो। नाउ कम टू द देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट, वट वॉज द डील फाइनलाइज बाई द मोदी एनडीए गवर्नमेंट। अब देखते हैं, अभी तक तो हमने जो देखा कि एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट थी, फिर यूपीए गवर्नमेंट ने उसको क्लियर दिया, हरी झंडी दी परचेस करने के लिए, फिर एयरफोर्स ने टेंडर रिलीज किया, टेंडर में एसॉल्ट का पास हुआ कि एसॉल्ट से परचेस करेंगे, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी थी, उनके साथ नेगोशिएशन चला था, तभी गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट किसकी है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है, जो कि एनडीए गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियांस। ओके, अब मोदी गवर्नमेंट है। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या डील फाइनल की वो हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ द फ्रांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अप्रैल 10 अप्रैल को जब नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था फ्रांस 2015 में, अनाउंस द इंडिया विल परचेज 36 राफेल जेट। ओके, वहाँ पे कितना था, 126, यहाँ पे सिर्फ 36 राफेल जेट का डील हो रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वहाँ पे कंपनी से थ्रू हो रहा था, बट यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहा है अभी न्यू गवर्नमेंट ने, जो न्यू गवर्नमेंट है कौन, मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रहा है फ्रांस के, ओनली फॉर द 36 राफेल जेट। अब देखते हैं इसका सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंडिया एंड फ्रांस साइन एंड 07.86 बिलियन, जो कि टोटल आपका 59,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली डील होती है, ऑन सितंबर
थर्ड एंड 2006 फॉर द 36 राफेल जेट. 36 राफेल जेट के लिए जो यहाँ पे प्राइस अप्रोक्सीमेट आती है 59 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. ओके सो एंड डिलीवरी ऑफ द एयरक्राफ्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेप्टेम्बर 2009. सो ये डील होती है बिटवीन द इंडिया गवर्नमेंट एंड फ्रांस गवर्नमेंट. अब तो हमने देख लिया यूपीए गवर्नमेंट से क्या नेगोशिएशन चला था और मोदी गवर्नमेंट ने क्या डील फाइनल की. अब इसमें एलिगेशन की बात कहाँ से आती है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि एलिगेशंस का पार्ट इसमें क्या है. सो पॉइंट नंबर 8 जिसमें आपको बताया गया कि द कांग्रेस हैज बीन अक्यूजिंग द मैसिव इनरेगुलरिटीज इन द डील एलिगेशन दैट द गवर्नमेंट वाज procuring each aircraft at the cost of the 1670 crore as against the 526 crore finalized by the UPA government. So यहाँ पे allegation जो आपकी opposition party है जो कि Congress है उसने deal कितना final किया था अपने government में 526 और मोदी government में कितना एक aircraft के लिए final हुआ 1617. सो ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस था जो कि काफ़ी था. सो इसको लेकर यूपीए गवर्नमेंट ने एलिगेशंस लगाना शुरू किया एनडीए करेंट मोदी गवर्नमेंट पे. तो ये पहला एलिगेशन इनका था कि जो डील हुई है बहुत ही हाई प्राइस में हुई है जिसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है. तो हमको इसके स्कैम है कि नहीं है उसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ डेटा देखना है कि क्या एक्चुअल में चल रहा है. ओके और उसके बाद देखते हैं 9 पॉइंट. द कांग्रेस हैज ऑल्सो सॉट टू नो प्राइस द डील ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड हाउ द रेट पर एयरक्राफ्ट गॉन अप फ्रॉम द 526 करोड़ टू 6. वही बात है जो मैंने हमने ऊपर डिस्कस की कि 526 से लेकर के इतना हाई प्राइस कैसे हो सकता है, ये एलिगेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का. उसका 10 पॉइंट जो एलिगेशन का है द पार्टी हैज डिमांडेड द आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन वाई द स्टेट रन एरोस्पेस मेजर HAL was not involved in the deal. ये एक मेजर्स पॉइंट है, ये एक बहुत ही जेन्यून एंड मेजर पॉइंट है कि जो डील हुई है उसमें HAL जो कि HAL एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है. सो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउट होता है कि वाई द गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन्वॉल्व नहीं किया जबकि ये अकॉर्डिंग टू द UPA गवर्नमेंट 108 जो एयरक्राफ्ट थे इसको खुद असेंबल करने वाला था. तो इस डील में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन्वॉल्व नहीं किया गया. दूसरा पॉइंट देखते हैं एलिगेशंस का. द पार्टी हैज एलिगेट दैट द रिलायंस डिफेंस वॉर फॉर्म जस्ट 12 डेज बिफोर. ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने जबकि 12 डेज बिफोर ही डील होने के पहले 12 डेज पहले ही ये रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को कंपनी को फॉर्म किया गया है. तो यहाँ से एक शक की सुई एनडीए गवर्नमेंट पे बनती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि जिस कंपनी को कोई भी एक्सपीरियंस ना हो एयरजेट फाइटर्स प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में उसके साथ इतनी बड़ी डील कैसे हो सकती हो और वो कंपनी सिर्फ 12 दिन पहले बनी हो. तो ये थोड़ा सा शक होता है कि शायद से कुछ तो स्कैम हो सकता है बट हमको अभी तक स्कैम पर नहीं जाना है क्योंकि अभी हम सिर्फ एलिगेशन देख रहे हैं, अभी गवर्नमेंट्स का व्यू हमने नहीं देखा है. तो हमको दोनों देखना है कि दोनों का व्यू क्या है. तो अभी तक हम एलिगेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे एलिगेशन राइट भी है एक तरह से आप देखो तो. कोई भी कंपनी 12 दिन पहले बनके इतना बड़ा कैसे टेंडर ले सकती है. ओके तो तीसरा पॉइंट देखते हैं. द कांग्रेस हैज ऑल्सो एलिगेट द गवर्नमेंट टू बेनिफिट द रिलायंस डिफेंस. सो जाहिर सी बात है 12 दिन पहले कंपनी बनी, कंपनी को इतनी बड़ी डील दिया तो शायद से बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही दिया हो. ही हैज ज्वाइन द वेंचर विद द Assault Avitation Excuse the Offset Obligation of the 59 Crore Deal जो कि 59 Crore का डील एक बहुत बड़ी डील है. तो ये सब एलिगेशंस के पॉइंट है. अब हम देखते हैं कि इस पर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स कैसे किया, गवर्नमेंट ने अपना बचाव कैसे किया. तो यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डिफेंस वाइल रिप्लाइंग द क्वेश्चन पार्लियामेंट हैड सेट टू द कॉस्ट ईच राफेल एयरक्राफ्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 670 करोड़. वहाँ पे उन्होंने जो रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में अपने बचाव में अपने सेफ्टी में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट साइड जो भी एलिगेशंस अपोजिशंस विपक्ष ने लगाए थे उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि जो कि ईच एयरक्राफ्ट जो है वो 617 करोड़ का है बट डिड नॉट गिवन द डिटेल ऑफ द प्राइज एसोसिएट इक्विपमेंट वेपन्स एंड सर्विस. ये उन्होंने बताने से मना कर दिया. सही भी बात है क्योंकि अगर से वो उनकी डील हो रही है अगर से उसके इक्विपमेंट के जो भी वेपन्स है सर्विसेज है जो भी स्पेशलिटी है वो तो ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सुरक्षा एक अपने इंटरनल सिक्योरिटी से मैटर रहता है. क्योंकि अगर से उन्होंने इस चीज़ को ओपन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर अदर्स जो नेबरिंग हमारे इनमिस कंट्री उनको भी पता चल जाएगा कि इंडिया के पास तो इस टाइप के एयरक्राफ्ट हैं उसके पास ये वेपन्स है तो उन वो इसका एंटीट्यूड बनाना शुरू कर देंगे. तो जो करेंट गवर्नमेंट है उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, उसने
इस सब चीज़ें बताने से मना किया है, उसने जस्ट प्राइसिंग बताई है 617 करोड़। उसके बाद 15 पॉइंट देखते हैं कि इट हैज़ बीन मेंटेन दैट कॉस्ट ऑफ 36 राइफल जस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल प्रपोजल बाय द 126 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एज डी डिलीवरेबल एंड द सिग्निफिकेंसी डिफरेंट। ओके, यहाँ पे जो गवर्नमेंट पर्सन है वो क्या बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश करो कि जो कि अभी करंट एनडीए गवर्नमेंट ने 136 परचेस किया है उसको आप 126 से कंपेयर ना करो क्योंकि इन दोनों में मेजर डिफरेंट है। अब मेजर डिफरेंट क्या है कि ये जो 36 ये परचेस कर रहे हैं ये टोटली रेडी कंडीशंस में होंगे, एकदम बस परचेस किया और जस्ट रनवे पे उतार दिया। दे आर टोटली इन द रेडी कंडीशन टू फॉर द फाइट फॉर द फ्लाइंग, इनको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे जो हमारा 126 परचेस हो रहा था इसमें सिर्फ ओनली 18 रेडी कंडीशंस में थे और 108 थे वो रेडी कंडीशंस में नहीं थे, उनके मैन्युफैक्चरिंग उनका सॉरी असेंबल इंडिया में होना था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये 36 पूरे रेडी कंडीशंस में रहेंगे, 126 थे। और क्या क्या बेसिक डिफरेंट है हम इस टेबल में देखते हैं, तो यहाँ पे बेसिक प्राइसिंग का जो डिफरेंस था 526 करोड़, तो यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट में अब तक का जो रिलीज हुआ है डेटा वो 16-17 करोड़ का है। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन्वॉल्व किया गया था, यहाँ पे RDL रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को इन्वॉल्व किया गया जो कि सिर्फ ओनली 12 डेज बिफोर द एग्रीमेंट के पहले बिल्ड कंपनी है। यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं था रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट की, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसमें वेपन्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, उसकी वारंटी क्या होगी, आफ्टर द परचेस सपोर्ट क्या होगा। तो इस डील में जो यूपीए का था इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट जो लेटेस्ट इंडिया गवर्नमेंट की डील हुई है उसमें हर एक चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे एसोसिएटेड इक्विपमेंट, कितने सारे इक्विपमेंट होंगे, लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स होंगे कि नहीं होंगे, तो सब कुछ इसमें दिया है। बट गवर्नमेंट ने इसको ओपन नहीं किया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पज। तो यहाँ पर वेपन्स रहेंगे, उसकी सर्विसेज रहेंगी, उसके बाद आफ्टर द परचेज उसके सपोर्ट्स क्या रहेंगे, तो पूरा यहाँ पे एक वारंटी के साथ इसको परचेस कर रही है एनडीए गवर्नमेंट। यहाँ पे भले 36 है लेकिन ये पूरे रेडी कंडीशंस में है, पूरे फाइटिंग्स के लिए रेडी रहेंगे, फ्लाइंग के लिए रेडी रहेंगे। और यहाँ पे जो थे वो ओनली 18 थे और आपके 108 जो कि असेंबल करने थे। और एक पॉइंट देख लेते हैं, 18 आर द रेडी कंडीशन, ओके वो द सेम पॉइंट्स आर हियर। सो ये बेसिक डिफरेंस था जो कि अब तक का राफेल के कंक्लूजन से निकला है। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये स्कैम है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इसको परचेस किया है। तो होप सो एज अ सिटीजन्स एज अ स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिया होगा, करंट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होगा, वो हमारे लिए बेटर ही होगा, हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए बेटर होगा। होप सो और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस पूरे राफेल कंट्रोवर्सी को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तक कंट्री में। अपोजिशन पार्टी को एक बहुत बड़ा ही पॉइंट मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, तो इतना बड़ा इशू था तो हमने इसको एक छोटे से कम टाइम में कवर करने की कोशिश की जिससे आपका थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस रहे और एज अ स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जैसे ये एसॉल्ट एविटेशन कंपनी बेस कहाँ की है, तो फ्रांस की बेस है। थोड़ी ये डील कितने में है ये सब आप थोड़ा सा याद रखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में जानो, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस रखो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके सो यहाँ पे एक व्हाट्सअप लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा डेली जीके ग्रुप जहाँ पे हम लोग डेली जीके प्रोवाइड करते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट जीके MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इफ़ यू आर ए कम्पिटेटिव एग्जाम स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट, सो यू कैन ज्वाइन, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।